नमस्कार, प्रभात एग्जाम में आपका स्वागत है। झारखंड के सीरीज में ये हमारा लास्ट लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है वो कौन से नंबर का है? तो ये नेशनल हाईवे सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह जो हुआ था 1770 से 71 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये चित्रजीत राय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति तत्कालीन थे के आर नारायणन, उन्होंने कब हस्ताक्षर किए थे? तो काफी बार ये डेट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो उसका नाम है दीदी समृद्धि योजना, जिसके द्वारा महिलाओं को स्वावलंबन की ओर बढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में पाया जाता है? तो वो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से ज्योति लाई जाती है और यहाँ पर फिर अखंड ज्योति स्थापित की जाती है? तो वो यहाँ पे है शक्ति मंदिर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये शक्ति मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कहाँ पर है और ये किस नाम से है? तो इसका नाम तो है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, और इसकी लोकेशन क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में मॉर्टिलिटी रेट अर्थात मृत्यु दर का क्या प्रतिशत था? तो ये 13.12% यहाँ की मॉर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ये 1945 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र के स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो ये सबसे पहले 1995 में ऐसा काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चतरा और साहेबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये बिहार से काटकर झारखंड बना है, तो इसके बिहार के यहाँ बिहार है और ये झारखंड है, तो दोनों ही बिहार राज्य को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने अपने बारे में ये प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है जिससे वो अपने अनुयायियों को अभेद्य बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? तो ये बिरसा मुंडा ने कहा था ताकि लोग प्रेरित होकर अंग्रेजों का विरोध कर सके। तो बिरसा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट शख्सियत है हमारे झारखंड के लिए। तो इनके गुरु का क्या नाम था? उनका नाम था श्री आनंद पांडे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें नहीं मिलती हैं? तो कड़पा क्रम की चट्टानें झारखंड में नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि संख नदी से हीरे प्राप्त करने के यहाँ पर लोग ऐसा काम करते थे, संख नदी से हीरे निकाले जाते थे? तो ये मुगल कालीन आत्मकथा है, तुजुक ए जहांगीरी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसके राइटर कौन थे। तो इसमें इस घटना के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस देशभक्त ने देशेर कथा इसकी रचना की थी? उनका नाम था सखाराम गणेश देउस्कर। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिरसा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उन्हीं के नाम से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है झारखंड में? तो ये है खूंटी डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में सबसे पहले किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले राजमहल से कलकत्ता, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है जिसका नाम वर्तमान में कोलकाता हो गया है, वहां से लेके कोलकाता तक का ट्रैक बनाया गया था सबसे पहले। विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र कहाँ पर है? तो ये झारखंड में टोरी जगह है, वहां पर इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर है। विश्व में बाघ की पहली गणना कहाँ पर हुई थी?
तो ये बेतला नेशनल पार्क में टाइगर की सबसे पहले सेंसस काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो ये पार्टी है जिसको 1967 ईस्वी में स्थापित किया था बागुन सुमब्रई जी ने। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है नेतरहाट। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कंपनी सरकार ने 1834 ईस्वी में अपना मुख्यालय झारखंड में सबसे पहले कहां पर स्थापित किया था? 1834 में ये बिहार का भाग था और अंग्रेजी सरकार ने यहां पर अपनी रांची में, जो झारखंड की वर्तमान में राजधानी है, वहां पर अपना मुख्यालय बनाया था। तो इस प्रकार से हमारी ये झारखंड की सीरीज समाप्त होती है। आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारी झारखंड सामान्य ज्ञान पुस्तक को ले सकते हैं और उसमें डिटेल में हर एक चीज़ के एनालिसिस करके उसमें दिया हुआ है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी। धन्यवाद।